अस्सलामुअलैकुम बेटा, डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट्स नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सेकंड ईयर का, वो है डीसी मशीन, जिसका कोड है ET213। इसका बेटा सब्जेक्ट कोड है और इसका नाम जो है वो डीसी मशीन्स एंड बैटरीज। इस सब्जेक्ट्स के अंदर आप डीसी मशीन्स और बैटरीज के बारे से पढ़ेंगे। तो इस चैनल को, ये चैनल जो है हमारे पास सादत होम ऑफ नॉलेज के हवाले से हम इसको लेक्चर दे रहे हैं, तो नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सब्जेक्ट्स की जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको डायरेक्ट जो है वो फॉरवर्ड की जा सकें। तो इस सब्जेक्ट्स को शुरू करने से पहले बेटा, इसकी जो थोड़ी बेसिक है वो आपको बता दूँ कि डीसी मशीन्स जो पेपर पंजाब टेक्निकल बोर्ड पेपर लेता है, ये टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल मार्क्स इसमें 100 होते हैं और इसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का है, वो 50 मार्क्स के हैं। अब ये जो बेटा 100 पार्ट्स हैं, इसमें आपका 20% एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज ये 20 मार्क्स के, और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स ये हमारे पास 50 मार्क्स होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे बेटा, वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 30 मार्क्स होंगे। बेटे याद रखिएगा, बार्स इदारे जो हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि एमसीक्यूज बच्चों को तैयार करा दो और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करा दो, इस तरीके से बच्चा पास हो जाएगा। नो डाउट इस तरीके से बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन उसके पास वो नॉलेज नहीं होगा जो कि इन फ्यूचर जब आप मार्केट में आएंगे तो उसमें जब कंपटीशन में आप बैठेंगे, इम्तहान देंगे, तो उस वक्त आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज है वो किसी काम के नहीं आएंगे, जब तक आपके पास सही मैन में नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये चैनल जो है वो ओपन किया है, ताकि बच्चों को थारोली पढ़ाया जाए, ताकि बोर्ड के बाद जिस वक्त वो डिप्लोमा ले लेते हैं और उसके बाद जब वो कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आसानी से वो पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकल जो है ये 50 मार्क्स का होगा। तो इस सब्जेक्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे डीसी मशीन्स के हवाले से, और इसमें याद रखिएगा ये भी सब्जेक्ट्स आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड कोर्स और लाइन के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। इसमें भी हर जो है टॉपिक जो है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ डीसी मशीन्स, फंडामेंटल्स ऑफ डीसी मशीन्स। ये बेटा हमारे पास चैप्टर है, पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है 1.1 टॉपिक है, इसका नाम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिएगा फैराडेस के दो कानून हैं, एक हम बोलते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या है, कहता है कि व्हेन एवर अ कंडक्टर लिंक विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, कहता है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ कथा करता है या लिंक करता है तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाती है। तो अब इसकी स्टेटमेंट जो पेपर में आती है वो कहता है स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर पेपर में ये सवाल पूछ ले तो आपने सिर्फ इन दोनों लॉज की स्टेटमेंट जो है वो आपने लिखनी होगी बेटा। अगर वो कहता है एक्सप्लेनेशन तो वो टॉपिक हमारा दूसरा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर वो लफ्ज बोर्ड है स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दोनों लॉज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप बता दें। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, व्हेनेवर अ कंडक्टर लिंक विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स
an EMF inducement hit whenever a conductor link with magnetic lines of force and EMF induced in it. क्लियर हो गया बेटा? इसमें क्या है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन या फोर्स के साथ कट करता है या लिंक करता है तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। इसी का जो सेकंड लॉ है उसका हम बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ में क्या है, कहता है कि the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. Faraday's second law क्या है? The magnitude कहते हैं मिक्दार को, किसी कंडक्टर के अंदर पैदा होने वाली मिक्दार, किसी कंडक्टर के अंदर पैदा होने वाली मिक्दार का मजमुआ, magnitude, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. Faraday's second law क्या है? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux linkage, तो ये बेटा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसकी मिकदार, जो किसी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ की मिकदार जो पैदा हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रॉस मुतनासिब होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज, रेट कहते हैं शरा को, निस्बत को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, कि जिस शरह से वो कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को साथ लिंक करता है उसी शरह से इसकी जो मिकदार है ईएमएफ की, पैदा होने वाली ईएमएफ की मिकदार जो है वो भी वेरी करती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है तो ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी, अगर वो कम लाइन ऑफ फोर्स को कट करता है तो ईएमएफ भी कम पैदा होगी। अब जैसे जिस मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ये मेरे हाथ आपको नजर आ रहा हो तो इस हाथ में देखें कि अगर ये जिस साइड में मेरी कलाई है, इस साइड पे आप सपोज करें ये नॉर्थ पोल है और अपोजिट साइड पे साउथ पोल है और ये दीज आर लाइन ऑफ फोर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये हम कहते हैं ये लाइन ऑफ फोर्स हैं और ये एक मेरा मार्कर है मेरे हाथ में, इसको आप कंडक्टर जो है वो सपोज कर लेते हैं। अब देखिए ये कंडक्टर जब इस पहली लाइन ऑफ फोर्स के साथ लिंक करेगा तो डेफिनेट फैराडेज फर्स्ट लॉ के तहत इसके अंदर कुछ ना कुछ ये हमें पैदा हो जाएगी, लेकिन ये कंडक्टर जब दूसरे के साथ करेगा तो उसकी मिकदार में इजाफा होता जाएगा, जब ये तीसरी लाइन ऑफ फोर्स के साथ लिंक करेगा तो ये मैं फोर बढ़ती जाएगी, जब ये चौथी के साथ करेगा, पांचवी करेगा तो क्या होगा, इसकी मिकदार के अंदर जो इसके अंदर ये मैं पैदा हो रही है उसकी मिकदार ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ। अब इसमें देखें कि हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड अपोजिट साइड इज योर साउथ पोल। अब यहाँ से ये लाइन ऑफ फोर्स चल रही हैं, अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जब इसमें से गुजारते हैं यहाँ पे लिंक कराते हैं तो क्या होगा कि ये लिंकेज के दौरान इन लाइन ऑफ फोर्स के साथ कता करेगा तो लिहाजा इसके अंदर ईएमएफ भी पैदा होती जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लॉ की एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो हमारा टॉपिक 1.2 होगा, लेकिन इसको आप जहन नशीन करें और कोर्स ऑनलाइन की जो आपके पास कोर्स ऑनलाइन है उसके ऊपर आप नोट करते जाएं ताकि आपको पता चलता जाए कि बोर्ड के मुताबिक, बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके मुताबिक हम इसके तफसील पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।